चलिए, तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? पर्सनल इनकम। अभी पर्सनल इनकम का क्या मतलब है? अर्निंग रिसीव्ड। कोई भी काम करने के बाद किसी भी सोर्स के थ्रू जब आपको पैसा रिसीव हो वो क्या कहलाता है? पर्सनल इनकम। ठीक है, आपने महीने भर किसी ऑफिस में काम किया, ठीक है, महीने भर आपने सर्विस प्रोवाइड करी एज एन डॉक्टर और लॉयर, ठीक है, बदले में आपको मंथ एंड में जो भी पैसा मिला वो क्या हो गया? आपका पर्सनल इनकम हो गया। ठीक है, अब आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, एनी इनकम विच यू गेट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस। ठीक है, मतलब ऑफिस से आपको सैलरी आई लेकिन ऑफिस का जो हेड है उसने ऑलरेडी डिडक्शन करके ही आपके अकाउंट में डाला, तो वो जो अमाउंट आपको मिलेगा वो क्या हो गया? आपका अर्निंग रिसीव्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो, प्रोडक्शन इन द सेंस मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व हो, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व हो, एक्सचेंज इन्वॉल्व हो और कंजम्पशन इन्वॉल्व हो। ठीक है, अभी आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो बनाने के बाद ऐसा तो नहीं कि उसको अपने तक ही रख लेंगे, नहीं, बनाने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट में। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होने पर क्या होगा? एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ मनी। आप उसको अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट देंगे, कॉमोडिटी देंगे, बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। फिर है कंजम्पशन। अब मेन मोटिव क्या था इन सब चीजों का? मेन मोटिव था कि कंज्यूम हो, लोग उसको यूज करें, लोगों की जो जरूरत है वो फुलफिल हो। तो ये सब जो एक्टिविटी चल रही है कंट्री में उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इसको डिटेल में वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि आपके पास रॉ मटेरियल आ गया है। आपके आपने सोचा कि चलो मैं एक बहुत अच्छी क्रीम बनाता हूँ, अब फिर उसको मार्केट में हम लॉन्च करेंगे। तो आपके पास रॉ मटेरियल आ गया, जितनी भी सारी चीजें थी वो सब आ गया। तो अभी प्रोडक्शन कैसे होगा? तो प्रोडक्शन के लिए भी आपको क्या चाहिए? चार चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब लैंड, बिना लैंड के आप किस तरीके से प्रोडक्शन कर पाओगे? आपने प्रोडक्शन करने के लिए उस पर्टिकुलर क्रीम को बनाने के लिए मशीनरी की जरूरत होगी। ठीक है, वो मशीनरी आप कहाँ इंस्टॉल करोगे? लोगों की जरूरत होगी, वो लोग कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले आता है लैंड। ठीक है, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी जमीन की, जिसको रेंट पे लेके या फिर परचेज करके आप वहां पे क्या कर सकते हो? सेटअप तैयार कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारा लेबर। अब उस पर्टिकुलर मशीन को चलाने के लिए, उस पूरे एरिया को देखने करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। अब जो लेबर है वो सिर्फ मशीन चलाने वाली लेबर नहीं होंगे, बल्कि जो हाई वाले होंगे, जैसे कि जो अकाउंट संभाल रहा है, जो सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, जो अपना मेंटल भी दे रहा है और फिजिकल भी दे रहा है, वो दोनों ही हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? लेबर में आएंगे, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। फिर आता है कैपिटल। अब आपने ये सब तो कर लिया, फिर आता है कि मशीनरी लाएंगे कैसे? चलो लेबर भी आ गए, तो मशीनरी लाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो मशीन कैपिटल जब रहेगा तो हम मशीन ला सकते हैं। फिर जो मेंटल वर्क करेंगे, जो कंप्यूटर पे काम करेंगे, उनके लिए हम कंप्यूटर ला सकते हैं, टेबल ला सकते हैं, फर्नीचर ला सकते हैं, उनके लिए फैन लगा। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया हमारा कैपिटल। ठीक है, फिर आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या हो गया? कैप्टन, रियल कैप्टन। क्यों इसको रियल कैप्टन बोला है? क्योंकि ये सब जो होगा वो एंटरप्रेन्योर की वजह से ही होगा।
कोई एक एंटरप्रेन्योर होगा या ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर होगा जिन्होंने ये आइडिया लेके आए होंगे कि चलो हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो अब वो लोग कैसे काम करवाएंगे, क्या काम करवाएंगे, किस वे में करवाएंगे और क्या क्या वो लोग मैनेज करेंगे, तो क्या इनके बिना ये सब पॉसिबल है? नहीं। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर को क्या बोला गया है? रियल कैप्टन, क्योंकि अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारा काम करवाने की। ठीक है।